नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। निर्भया बलात्कार कांड के दोषी ने किया आत्महत्या का प्रयास। निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले के एक दोषी विनय शर्मा ने बुधवार को तिहाड़ जेल में आत्महत्या का प्रयास किया। उसे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो तिहाड़ में जेल नंबर 8 में बंद था। उसने गमछे से फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इससे पहले इस मामले के मुख्य आरोपी राम सिंह ने भी मार्च 2013 में तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी। विनय शर्मा ने अन्य तीन दोषियों मुकेश, पवन और अक्षय कुमार सिंह के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के मौत की सजा के फैसले को बरकरार रखते हुए इस मामले को विरल से विरलतम की श्रेणी में रखा था। अफगानिस्तान में अमेरिकी विश्वविद्यालय पर आतंकी हमला, 7 की मौत। अफगानिस्तान स्थित अमेरिकी विश्वविद्यालय पर हुए हमले में 7 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस हमले के खत्म होने की जानकारी दी है। काबुल पुलिस के प्रमुख अब्दुल रहमान रहीमी ने बताया कि मारे गए लोगों में एक गार्ड भी शामिल है। वहीं करीब 700 छात्रों को वहां से बचाया गया है। रहीमी ने बताया कि हमले में एक विदेशी शिक्षक घायल हो गया है। काबुल स्थित विश्वविद्यालय पर किए हमले की तत्काल किसी गुट ने जिम्मेदारी नहीं ली है। सीरिया ने किया रासायनिक हमला, आईएस ने इस्तेमाल की मस्टर्ड गैस। संयुक्त राष्ट्र की एक जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असर के बलों ने कम से कम 2 रासायनिक हमले किए और इस्लामिक स्टेट के जिहादियों ने हथियार के तौर पर मस्टर्ड गैस का उपयोग किया। विश्व निकाय के पैनल ने वर्ष 2014 और 2015 में किए गए 3 रासायनिक हमलों के साजिशकर्ताओं को पहचाना है, लेकिन 6 अन्य मामलों के बारे में वो कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाया, जिनकी जाँच वो पिछले साल से कर रहा है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म की इस रिपोर्ट के अनुसार सीरियाई प्रशासन ने इदलिब प्रांत के 2 गांवों पर रासायनिक हथियार गिराए थे। ये हथियार क्रमशः 21 मार्च 2014 को तालमेनेज में और 16 मार्च 2015 को सारमेन पर गिराए गए थे। पैनल ने यह भी पाया कि इस्लामिक स्टेट ने 21 अगस्त 2015 को उत्तरी अलेप्पो प्रांत के मारिया शहर में सल्फर मस्टर्ड का उपयोग किया था।